लुबना की रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी मिक्स दाल के पकौड़े। ये बहुत ही टेस्टी है, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। तो फिर चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/3 कटोरी चने की दाल ली है, 1/3 कटोरी मूंग की दाल ली है, 1/3 कटोरी साबुत मूंग की दाल है और 1/3 कटोरी मसूर की दाल है और 1/3 कटोरी साबुत मसूर की दाल है। सभी दालों को आप इक्वल अमाउंट में लीजिए। सभी दालों को अच्छे से 2-3 पानी में धोकर आप कम से कम 8 घंटे के लिए इसे भिगो के रख दीजिए। अब आप देख सकते हैं 8 घंटे के बाद हमारी दालें कितने अच्छे से फूल गई हैं। आप कम से कम 8 घंटे तक तो इसे भिगो के रखिए और मिक्सर ग्राइंडर में इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाए, ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी मैं दालों के साथ मिक्सर ग्राइंडर में पीसूंगी। आप देख सकते हैं सभी दालों की मिक्स को यहाँ पर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। यहाँ पर मैंने फाइन पेस्ट तैयार नहीं किया है, आप पानी बिल्कुल भी मत डालिए। जब भी आप पीसें पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अब यहाँ पर मैं 1 मीडियम साइज़ की चॉप प्याज डाल रही हूँ, थोड़ी सी धनिया पत्ती है, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1/2 टीस्पून साबुत जीरा है। आप चाहें तो जीरे का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैंने नमक ऐड नहीं किया है, जब मैं कढ़ाई में तेल चढ़ाती हूँ तभी मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। सभी को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स दाल की भजिया बहुत ही क्रिस्पी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है मैं भजिया मिक्स में नमक ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा गैस की आंच को मैं सिम कर दूंगी और अपनी भजियों को फ्राई करना स्टार्ट कर देती हूँ। अब देख सकते हैं ज़्यादा बड़ी भजिया भी नहीं बनानी है। अब हमें अपनी भजियों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही ये गोल्डन होना शुरू हो जाएंगी हम गैस की आंच को सिम कर देंगे और करछी की हेल्प से मैं अपनी सारी भजियों को निकालने शुरू कर देती हूँ। अब देख सकते हैं हमारी भजिया कितनी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। मिक्स दाल की हमारी भजिया बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये परफेक्ट क्रिस्पी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और लुबना की रसोई को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।